यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विरार से बाढ़ग्रस्त चिपलून भेजे जाने वाली राहत सामग्री का सामान पाया गया नालासोपारा पार्टी विशेष की महिला कार्यकर्ता के घर में। मामले पर गरमाया विवाद। पिछले दिनों महाराष्ट्र राज्य के चिपलून एवं महाड़ क्षेत्र में आई बाढ़ से तबाह हो चुके चिपलून एवं महाड़ क्षेत्र के अक्सर स्थानों पर सब कुछ खत्म हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य के कई हिस्सों से लोगों ने चिपलून एवं महाड़ की तबाही से परेशान हो रहे लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए अपनी ओर से राहत सामग्री जिसमें अनाज, कपड़े, चादर आदि भिजवाए और मानवता का परिचय दिया। अपने भाइयों के दुख में उनकी मदद करते हुए खुशी महसूस की। राहत सामग्री लोगों द्वारा अपने स्तर पर और संस्था के माध्यम से पहुंचाई गई। इसी क्रम में विरार से जो एक मामला सामने आया है, उस मामले से इन बाढ़ग्रस्त लोगों हेतु सामान देने वाले लोगों को धक्का पहुंचा है। दरअसल विरार के एक महिला बचत गट की महिला पदाधिकारियों द्वारा महाड़ एवं चिपलून भेजे जाने सामान जमा किया गया था और जिस व्यक्ति को उस जमा किए गए सामान को चिपलून भेजा जाने का काम सौंपा था, उस व्यक्ति ने वह सामान चिपलून नहीं बेचकर नालासोपारा के अपने घर में बेच दिया, जिसका खुलासा होने पर बवाल हो गया। उक्त व्यक्ति एक महिला बताई गई है जो कि एक पार्टी विशेष की कार्यकर्ता है। ऐसा आरोप महिला बचत गट की पदाधिकारियों द्वारा लगाया गया। वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहा इन बचत गट की महिला पदाधिकारियों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। मेरा नाम रुचिता राजेश विश्वासराव। ये जो मामला अभी हुआ है, ये जो अभी चिपलून खेड़ में जो बाढ़ आई थी, लोगों के घर में अनाज नहीं, पानी नहीं, इसके लिए बचत गट माध्यम से हम लोग जो मदद कर रहे थे, हमारे बचत गट बहुत सारे हैं, 330 महिलाओं ने अभी ये जो जमा किया था सामान पूरा, आप देखेंगे कितना किए थे, उसमें से भी गया है। तो ये सामान पहुंचाने के लिए हमारे पास टेम्पो की सुविधा नहीं थी, इसके लिए नीलम गायकवाड़ भी बचत गट के थ्रू से ही आई है, उनसे पहचान थी, उनको फ़ोन किया तो वो बोली कि मेरे पास टेम्पो है जो सामान वहाँ तक आराम से पहुँचा सकता है। लेकिन उन्होंने ये गलत किया कि जो चिपलून जाने वाला ट्रक अपने खुद के पक्ष के ऑफिस में उतर के उधर ही रख दिए। वो जो वसई विकास की कार्य करती है, वो खुद सामने से बोलती कि मैं वहाँ ये काम करती हूँ, ये पक्ष का काम करती हूँ। इसके लिए हम लोग ने उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के सामान टेम्पो में चढ़ा दिया था। रात को 8:30-9 बजे उन्होंने टेम्पो चिपलून न जाके वो ऑफिस में उतार दिया सामान। फिर ऑफिस में उतार के बाद उसने घर पर शिफ्ट किया। घर पर शिफ्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि ये सामान अगर मैं वो ऑफिस में रखूँगी तो आदिवासी लोग यहाँ से चोरी करेंगे। अभी यहाँ के जो आदिवासी रहवासी वो आज सालों साल यहाँ रह रहे हैं, उनके घर में कुछ कमी नहीं है खाने पीने की, लेकिन उन्होंने ये आरोप किया उनके ऊपर। तो वो लोगों को भी पता चला कि ये मैडम अपने पक्ष का आधार लेके अपने ऊपर आरोप कर रही है। फिर कल हम लोग ने वेरिफिकेशन के लिए गए तो उनके घर में पूरा सामान ओपन मिला हम लोग को, और सामान हमारा पूरी तरह से गायब हुआ है। मैडम, जो सामान था उसके ऊपर कुछ स्टिकर वगैरह, हाँ, हमारे जो स्टिकर लगे हुए थे, हम लोग को कभी पता चला जब ही यहाँ के एक बचत गट की महिला है, उनको ये पता चला कि ये मैडम ने सामान का फ्रॉड किया है, जो कि अपना ऑफिस के उठा के इसमें रख दिए, घर पर रख दिए। तभी वो ऊपर हम लोग नाम लिखे थे, बचत गट का जो पेपर लगे थे वो पूरा स्टिकर्स निकाल के दिए थे, उसके भी फोटो हैं हमारे पास, और जो सामान खुला हुआ था पूरा दिख रहे थे। और जो टेम्पो वाला दिखाया फोटो में, जो टेम्पो वहाँ से लेके गया था वो टेम्पो वाला नहीं था, दूसरे ही टेम्पो वाला का फोटो हम लोग को भेजा कि ये सामान 4 बजे आपका नालासोपारा से खेड़ में पहुंचा है। मैडम, इस पूरे मामले में एक समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस समाज के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी समाज को तो बदनाम किए, उनको भी खुद को पता होना चाहिए कि जो समाज में आप रह रही हो उसके आजू बाजू लोगों पे आरोप कर रही है, ये गलत किया है उन्होंने। ये उनको तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से आप जो भी करें, लेकिन हम बचत गट के मार्फत से हम लोग को उसको जो भी बोलना चाहेंगे हम लोग बोल देंगे। अभी आपकी मांग क्या है? अभी उन्होंने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन सामान हमारा गया वो कौन देगा? अभी जो ये गरीब लोगों का सामान है वो देने वाली है क्या? जो उसने बेचा होगा, हम लोग को पता नहीं, क्योंकि नया साड़ी, नया चादर, नया ब्लैंकेट हम लोग ने दिए, तो वो सामान कहाँ गया? अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग का अगला कदम होगा, अभी वो माफ़ी मांग के ये बात तो फिनिश होने वाली नहीं है। उन्होंने अगर भरपाई दे तो अच्छी बात है, अगर ये पहुँचाना है हमारी जिम्मेदारी है। अभी माझं नाव सुनील बोंडू आहे आणि मी इकडचा वॉर्ड क्रमांक 47 तक शाखा प्रमुख आहे शिवसेनेचा। तर इकडे ॲक्च्युली झालेलं असं आहे की महिला बचत गटाचं जे सामान महिला लोकांनी जमा केलेलं आहे ते ॲक्च्युली चिपलूनला पाठवण्यासाठी जमा केलेलं होतं आणि तिकडनं रवानाही झालेलं होतं, पण चिपलूनला न पोचता त्यांनी काजूपाड्यात एका ऑफिसमध्ये जमा केलं आणि त्याच्यानंतर
इकडचे काही मुलांना त्यांनी तिने सांगितलं की ते सामान तिच्या घरात हे करा, शिफ्ट करा. आणि हे ही गोष्ट महिला बचत गट यांना कळली. त्यासाठी महिला बचत गट इकडे आले, सर्वे केले आणि तिला शाखेत बोलवलं गेलं. तर शाखेत तिने असा विषय मांडला की ऑफिसमधून घरी पोचवण्याचं सामान कारण हे आहे की आदिवासी लोक चोरी करतात, हे चुकीचं आहे. मी एक स्वतः आदिवासी आहे, त्यासाठी ह्याच्यावर ॲक्शन घेतलं पाहिजे. तुमच्या समाजातर्फे काय याच्यावरती काय पुढे कारवाई? आम्ही याच्यासाठी आम्ही काहीतरी करूच, नक्की काहीतरी ॲक्शन घेण्यात येईल. आणि असे पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, त्यांच्या पक्षाला सुद्धा कल्पना देण्यात येणार आहे. त्याच्या ऍक्च्युली ती पण आहे ती नीलिमा गायकवाड, ही बहुजन विकास आघाडीची कार्यकर्ता आहे. तिने हे असं नाही केलं पाहिजे होतं, याच्यावर ॲक्शन नक्की घेतलं येईल. शिवसेनातर्फे पण आणि श्रमजीवी संघटनातर्फे पण. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.